अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यूनाइटेड ऑटो मोटर स्पोर्ट्स में खुश आमदीद। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जनाब यामा R1 250cc सिंगल सिलेंडर। और व्यूअर्स, मजे की बात यह है कि ये बाइक सिर्फ 500 किलोमीटर चला है, एग्जॉस्ट भी इसके ऊपर लगा हुआ है, रजिस्टर्ड भी है और आपको डिस्काउंट भी मिलने वाला है। हमारी पॉलिसी है कि जो बाइक चला होता है उसके ऊपर आपको डिस्काउंट जरूर ऑफर किया जाता है। ये बाइक सिर्फ 500 किलोमीटर यूज है, इसका डिटेल रिव्यू आज करेंगे, बताएंगे इसके बारे में आपको। जेनेरिक डिटेल्स के बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर लिफान का इंजन इंस्टॉल हुआ है, 250cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल कार्बोरेटर बेस्ड इंजन है और LCD डिस्प्ले वाला ये बाइक है। हॉर्स पावर की बात करें तो 21 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखता है। 6 स्पीड रिवर्स गियर ट्रांसमिशन इसके अंदर दे दी जाती है और इसकी कंप्लीट आपको 360 दिखाते हैं, साउंड टेस्ट भी करवाएंगे और प्राइस के बारे में भी बात करेंगे। तो चलते हैं व्यूअर्स इसकी डिटेल्स की जानिब। व्यूअर्स, फ्रंट के ऊपर आप देख सकते हैं ओरिजिनल R1 की तरह इसकी भी इसी तरीके से यहाँ पर हेलोजन लैंप्स दिए गए हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको इंडिकेटर की ऑप्शन या DRL की ऑप्शन भी दी जाती है। उसके अलावा व्यूअर्स, फ्रंट के ऊपर ब्लैक आफ्टर मार्केट वाइजर इंस्टॉल किया गया है। साइड कंडीशन आप देख सकते हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, जस्ट लाइक ब्रांड न्यू बाइक है। और फ्रंट ब्रेक्स के बारे में अगर बात की जाए व्यूअर्स, तो फ्रंट के ऊपर हमें ड्यूअल डिस्क ब्रेक विद ड्यूअल पिस्टन कैलिपर दे दिए जाते हैं। टेलीस्कोपिक यहाँ पर हमें शॉक्स दे दिए जाते हैं। फ्रंट टायर की अगर बात की जाए तो 110/70/17 का यहाँ पर हमें टायर दे दिया जाता है और मॉन्सून एनर्जी वाला टायर है जिसकी क्वालिटी काफी बेहतर है। सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल है तो आप वो एक अदद एग्जॉस्ट नजर आ रहा होगा, एयर कूल है, इस वजह से कोई रेडिएटर आपको नजर नहीं आ रहा। बाइक की कंडीशन जस्ट लाइक न्यू है, किसी किस्म का कोई स्क्रैच या स्पॉट मौजूद नहीं है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया, इसके इंजन इसके अंदर लिफान का इंजन इंस्टॉल किया गया है। इंजन की डिस्प्लेसमेंट की अगर बात कर लीजिए तो 248 इसके इंजन की डिस्प्लेसमेंट होती है। कार्बोरेटर बेस्ड इंजन है, आपको कार्बोरेटर नजर आ रहा होगा अपनी स्क्रीन के ऊपर। 21 हॉर्स पावर ये प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखता है। SC प्रोजेक्ट का इसके ऊपर एग्जॉस्ट लगा हुआ है और अगर कोई भी हमारा सब्सक्राइबर ये बाइक लेता है और एग्जॉस्ट को चेंज करता है तो कॉम्प्लीमेंट्री एग्जॉस्ट भी हम आपको चेंज करके देंगे। रेल टायर के बारे में अगर व्यूअर्स बात करें तो रेल के ऊपर 150/70/17 का टायर दे दिया जाता है और रेल के ऊपर सिंगल डिस्क ब्रेक विद सिंगल पिस्टन कैलिपर दे दी जाती है। इसके अलावा व्यूअर्स, यहाँ पर टायर के अंदर गैप मौजूद है तो आप इसके ऊपर 190 तक का टायर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। बैक टेल के बारे में बात करें तो एक्जेक्टली यामा R1 की तरह की टेल दी गई है, या नए मॉडल यामा R6 वाली सेम वही टेल आपको दी गई है। उसके अलावा यहाँ पर आपको LED बेस्ड बैकलाइट दी जाती है और उसके अलावा DRL की ऑप्शन भी दी जाती है। इंडिकेटर आपको यहाँ पर भी मिल रहे हैं और यहाँ पर भी मिल रहे हैं। अपना ओरिजिनल इसके अंदर मडगार्ड इंस्टॉल किया गया है। इस साइड से भी आप देख सकते हैं बाइक बिल्कुल न्यू है, कोई स्पॉट नहीं। अगर आपको बताया ना जाए कि 500 किलोमीटर यूज है तो आप इसको 0 मीटर समझकर ले जाएंगे। 6 स्पीड यहां पर हमें गियर ट्रांसमिशन दी जाती है। और टैंक के बारे में बात करें तो 17 से 18 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी इसके अंदर मौजूद है। मीटर के बारे में बात करें व्यूअर्स, तो मीटर आपको RPM की ऑप्शन देते हैं, गियर इंडिकेटर देते हैं, फ्यूल की ऑप्शन दी जाती है और ऑडियो मीटर की ऑप्शन भी दी जाती है। राइट साइड के ऊपर आपको किल स्विच की ऑप्शन दी जाती है, पार्किंग लाइट और फुल लाइट की ऑप्शन दी जाती है, सेल्फ स्टार्टर की ऑप्शन दी जाती है, जबकि इस साइड के ऊपर आपको हैजर्ड लाइट्स की ऑप्शन दी जाती है, डिपर की ऑप्शन दी जाती है। उसके अलावा आपको यहाँ पर लो हाई की ऑप्शन दी जाती है, इंडिकेटर की और सिग्नल की ऑप्शन, सॉरी इंडिकेटर की और हॉर्न की ऑप्शन दी जाती है। चूंकि ये कार्बोरेटर बेस्ड इंजन है तो यहाँ पर आपको चोक भी नजर आ रही होगी। लेके चलते हैं व्यूअर्स, आपको साउंड टेस्ट करवाते हैं और फिर बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में। जी तो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आज का रिव्यू आपको पसंद आया होगा। बाइक की प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं तो व्यूअर्स, ये 2022 का मॉडल है, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है। रिव्यू में आपने देखा सिर्फ 525 किलोमीटर यूज है, जस्ट लाइक ब्रांड न्यू बाइक है। और इसकी प्राइस जो डिमांड की जा रही है वो 6 लाख रुपए है। ब्रांड न्यू बाइक 6.5 लाख रुपए के है। इस बाइक के अंदर आपको 50,000 का डिस्काउंट मिलता है। उसके अलावा ये बाइक रजिस्टर्ड भी है तो रजिस्ट्रेशन के भी आपको 15,000 to 20,000 वो भी आपके सेव हो रहे हैं और SC प्रोजेक्ट का इस पे एग्जॉस्ट भी है ना, मजेदार ऑफर। व्यूअर्स, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।